अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला ना जाए, इसलिए अभी हमसे रابطہ करें। 9890963757 तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम खबरों पर नज़र डालते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन, घंटी के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सकें। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, बाकी रहें, तो प्लीज आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली तआवुन, माली मदद जरूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नजर डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेज कर मदद करना चाहते हैं, तो गूगल पे, फोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है, 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है, उस एतबार से हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार ही सही 200-500 हज़ार जो भी आप मदद कर सकते हैं, चैनल की मदद कीजिए, हमारा साथ दीजिए। नाज़रीन, आज जुमेरात का दिन है और जुमेरात को रात 8:30 बजे इसी चैनल पर लाइव बयान होता है। आज के बयान का बहुत अहम उनवान है कि खामोश रहने से भी जालिम की मदद होती है। आज अरब ममालिक, तुर्की, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तमाम इस्लामी 52-56 मुल्क जो है वो जालिमों का साथ दे रहे हैं, खामोश रहकर अल्लाह के दरबार में ये भी मुजरिम होंगे। खैर, जुल्म क्या हो रहा है और फलस्तीन के हालात क्या है और जालिमों का अंजाम, इजरायली, यहूदी और अमरीकी आतंकवादियों का अंजाम क्या होगा, हर जालिम का अंजाम क्या होगा, इंशाअल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में आज रात 8:30 बजे इसी चैनल पर लाइव बयान होगा। अपनी पूरी फैमिली के साथ इस बयान को आप जरूर सुने, देखें और दूसरों को भी इस बयान के देखने की दावत दें। आइए दिन पहली बड़ी खबर गजा और फलस्तीन के हालात को लेकर आ रही है। जी हाँ, फलस्तीन के नन्हे मुन्ने मासूम बच्चों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और दुनिया के बेगैरतों को और बेशर्मों को जगाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की। बच्चों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर, गजा के नन्हे बहादुर फलस्तीनी बच्चे इजरायली मजालिम से दुनिया को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आगाह कर रहे हैं। और उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या है दुनिया वालों, सुनो, हमारी नस्ल कुशी की जा रही है। दुनिया को बताया कि हम जिंदा तो हैं, लेकिन इजरायलियों ने हमारी जिंदगियों को खत्म कर दिया है, मार डाला है। उन्होंने हमारे ख्वाबों और हमारे मुस्तकबिल को कत्ल कर दिया है। हमारे माँ बाप और हमारे पेरेंट्स, हमारे जिम्मेदार दुनिया से रुखसत हो गए हैं और क्या क्या हम पर जुल्म हो रहा है, यह सारी कहानी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान की। और यही नहीं, एक पत्रकार ने, एक जर्नलिस्ट ने जब एक मासूम बच्चे से पूछा कि बेटा बड़े होके तुम क्या बनोगे, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, लॉयर, क्या बनोगे, तो उस मासूम बच्चे ने बड़ा मासूम अंदाज में जवाब दिया कि अंकल, हम बड़े कहाँ होते हैं, हम तो बड़े होने से पहले शहीद कर दिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं। खैर, नन्हे मासूम फलस्तीनी मजलूम बच्चों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर दुनिया के तमाम जालिमों और खामोश बैठे मुजरिमों और इस्लामी मुल्कों को बताया कि हम मारे जा रहे हैं और हमारा कत्ले आम हो रहा है, हमारी नस्ल कुशी की जा रही है।
आयरादिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में भी और राजस्थान में भी इलेक्शन का माहौल है और सियासी प्रचार बड़े जोरों शोर से हो रहा है, एक दूसरे पर वार भी हो रहे हैं। गुज़िश्ते कल कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी मोहतरमा प्रियंका गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए ये कहा और मध्य प्रदेश की जनता को समझाया कि लोगों तुमको हनुमान बनकर कांग्रेस हुकूमत को वापस लाना है, यानी हनुमान बनकर नफरतों के फैलाने वाली पार्टी की लंका में आग लगानी है और आपको कांग्रेस को वापस लाना है। जी हाँ, आवाम को अब हनुमान बनकर कांग्रेस हुकूमत को वापस लाना है। मोहतरमा प्रियंका गांधी ने असेंबली इंतखाबात 2023 की मुहिम के एक हिस्से के तौर पर इंदौर जिला के सानवेर और देवास जिले के खातेगांव में कांग्रेस उम्मीदवारों के हक में जलसों से खिताब किया और जगह जगह बात की। वहीं पर राहुल गांधी ने भी कहा कि ये जो नोटबंदी की गई थी ना भाइयों बहनों, ये नोटबंदी तुम्हारे रोजगार तुम्हारे कारोबार को खत्म करने की एक सोची समझी साजिश थी और यही साजिश थी कि अडानी और अंबानी जैसे लोगों के हाथों में सारे मुल्क की चाबियां और कारोबार दे दिया जाए और अपने दोनों दोस्तों को मालदार बनाया जाए और देश को गुलाम बनाया जाए। आयरादिन मणिपुर से बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। मणिपुर में अभी भी हिंसा का माहौल जारी है। मणिपुर में आज तक अब 6 महीने मुकम्मल हो गए हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ के आतंकी चैनलों के गोदी पत्रकारों को इजराइल के लिए वक्त जाने को मिल गया, सात समंदर पार हजारों किलोमीटर दूर पहुंच गए, लेकिन ये कमबख्त और ये नालायक मणिपुर आज तक 6 महीने में नहीं पहुंचे। खैर, मणिपुर के हालात अभी भी बड़े बुरे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को अमेरिका जाने की दुबई जाने की फुर्सत है, लेकिन मणिपुर जाने की फुर्सत नहीं है। मणिपुर से खबरें आ रही है कि कोकी गांव में पहुंचे दो मिती नौजवानों का किडनैप किया गया, पुलिस को उनके कत्ल कर देने का अंदेशा है। खैर, दो अफराद को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है और मुलजमीन को पकड़ने के लिए मुश्तरका मुहिम की शुरुआत जारी है। अफसरान का कहना है कि दोनों मुलजमीन की शनाख्त कर ली गई है। पुलिस को अंदेशा है कि दोनों लापता नौजवानों को कत्ल कर दिया गया है। खैर, पुलिस के जरिए दी गई जानकारी में बताया गया है कि 5 नवंबर को दोनों जवानों को के लापता होने के मामले में मणिपुर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स ने दो मुलजमीन को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ जारी है। दीगर मुलजमीन के पको पकड़ने के लिए मुश्तरका मुहिम चलाई जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही लापता नौजवानों के ताल्लुक से हकायक सामने आएंगे। आयरादिन बड़ी खबर आ रही है। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री वजीर आला नीतीश कुमार को आबादी कंट्रोल पर काबिल एतराज तबसरा करना बड़ा महंगा पड़ गया और काबिल एतराज तबसरा करके नीतीश कुमार फंस गए। खवातीन कमीशन ने कहा कि वजीर आला माफी मांगे। खैर, नीतीश ने अपने विवादित और मुतनाज़े बयान पर माफी भी मांग ली है, लेकिन अपोजिशन पार्टियां नीतीश कुमार के इस्तीफे की जिद कर रही है। नीतीश कुमार मंगल को रियासती असेंबली में अपनी तकरीर के दौरान आबादी कंट्रोल करने के अमल में ख्वातीन के रोल पर काबिल एतराज तबसरा कर बैठे, जिसके बाद वो विवादों में गिर गए। मेंबरान असेंबली को खिताब करते हुए, जिसमें कुछ ख्वातीन लीडरान भी शामिल थी, वजीर आला नीतीश कुमार ने बताया कि ख्वातीन की तालीम आबादी कंट्रोल में कैसे किरदार अदा करती है। नीतीश कुमार के जरिए ख्वातीन को लेकर किए गए तबसरे पर कौमी ख्वातीन कमीशन NCW नाराज है और NCW की चीफ रेखा शर्मा ने कहा कि उनको माफी मांगनी चाहिए। खैर, वजीर आला ने माफी मांगी है, लेकिन अपोजिशन पार्टियां उनके इस्तीफा की जिद कर रही है। आयरादिन, रियासत महाराष्ट्र के संगमनेर जेल से बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है। बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में संगमनेर की जेल की खिड़की तोड़कर 4 खूंखार कैदी भागने में कामयाब हो गए। पुलिस ने फोन नंबर जारी करके आवाम से मदद मांगी है। स्क्रीन पर आप चारों के फोटो देख सकते हैं, अगर कहीं आपको नजर आए तो आप पुलिस की मदद कर सकते हैं। न्यूज पोर्टल से मिली खबर के मुताबिक अहमदनगर जिला में जेल तोड़ने का वाकया सामने आया है। संगीन जराइम में सजा काट रहे 4 कैदी जेल की खिड़की तोड़कर फरार हो गए हैं। रियासत में यह बड़ा जेल
ब्रेक एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब ललित पाटिल के पुणे के अस्पताल से फरार और उनकी गिरफ्तारी का मामला पहले ही सुर्खियों में है। जेल इंतजामिया ने कैदियों के फरार होने के हवाले से मकामी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। चुनांचे जेल से कैदियों के फरार होने के बाद अब मकामी पुलिस की टीमें छापामार कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। मुल्क की नहीं बल्कि दुनिया की एक मशहूर मारूफ इल्मी दीनी दरसगाह तरबियतगाह दारुल उलूम देवबंद से खबर आ रही है। वहां के मोहतमिम हजरत मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी ने क्लियर तौर से यह वजाहत की है कि दारुल उलूम देवबंद में कोई फलस्तीनी बच्चा नहीं है। यतीम फलस्तीनी बच्चों के सिलसिले में दारुल उलूम देवबंद की वजाहत सामने आई है। इसराइल और फलस्तीन के दरमियान जारी जंग में इसराइल की वहशियाना बमबारी में हजारों की तादाद में मासूम फलस्तीनी बच्चे ख्वातीन और आम शहरी शहीद हुए हैं, जिसको लेकर पूरी मिल्लत इस्लामिया में सख्त तशवीश और इजहार और हमदर्दी पाई जा रही है। इसी से मुतालिक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है कि आलमी शोहरत याफ्ता दीनी दरसगाह दारुल उलूम देवबंद में फलस्तीन के मासूम यतीम बच्चे लाए गए हैं और जो उनको गोद लेना चाहे वो दारुल उलूम देवबंद आकर ले सकते हैं। इस सिलसिले में फोन और सोशल मीडिया के अलावा खुद लोग दारुल उलूम देवबंद पहुंचकर बच्चों को गोद लेने की ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इसमें किसी भी तरह की कोई सदाकत नहीं, बल्कि यह पूरी तरह अफवाह है जिसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि फलस्तीन से कोई भी बच्चा दारुल उलूम देवबंद नहीं आया है। हर्बल सुपर लेकर आया सम्राट गोल्ड किट, जो कि मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए है। इनको प्योर जड़ी बूटी से बनाया गया है। इससे आपकी टाइमिंग बढ़ती है, जोश और ख्वाहिश में इजाफा होता है, नसों की कमजोरी दूर होती है। अगर ये आप हमसे लेना चाहते हैं देश विदेश में कहीं भी, तो हमारे दिए हुए इसके नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। आपका पर्सनल डॉक्टर डॉक्टर शावेद सेक्सोलॉजिस्ट किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द जोड़ों का दर्द गठिया भाई अभी कॉन्टेक्ट। नादिन बड़ी अफसोसनाक खबर कफ परेड पुलिस मुंबई से यह खबर आ रही है। जी हाँ, कि एक नेवी अफसर सेक्स रैकेट का शिकार हो गया। एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बताया जा रहा है कि नामालूम अफराद ने वीडियो बनाकर 2.5 लाख रुपए लिए हैं। पुलिस के मुताबिक कोलाबा के नेवी नगर के रहने वाले नेवी ऑफिसर ने फेसबुक पर एक नामालूम खातून से राब्ता किया और उससे दोस्ती कर ली। उनकी दोस्ती ने 25 अक्टूबर को उस वक्त परेशान कुन मोड़ ले लिया जब खातून ने एक वीडियो कॉल शुरू की, जिसके दौरान उसने खुद को बेनकाब किया और नामुनासिब हरकत करने लगी। इस केस में शामिल एक अफसर का कहना था कि औरत वीडियो कॉल के दौरान नंगी उरिया बरहना नजर आई और उसने वाजे इशारे किए और उसके बाद उसने एक वीडियो बनाई। बाद अजा खातून ने उस वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड करने की धमकी दी और मामले पर खामोश रहने के लिए 31,000 रुपए की अदायगी का मुतालबा किया। अफसर को 64,000 रुपए का इजाफी धोखा दिया, यानी इस तरीके से 2.5 लाख रुपए उनसे वसूल कर लिए। खैर, ये मामला कोई नया नहीं है। मैं इस खबर को इसलिए भी दिखा रहा हूं कि अक्सर आपको भी कोई वीडियो कॉल व्हाट्सएप वगैरह पर आ सकती है। किसी भी अनजान नामालूम वीडियो कॉल को आप सामने आकर कभी ना उठाएं, पहले तहकीक कर ले, क्योंकि इस तरीके से एक सेक्स रैकेट चल रहा है जिसका शिकार कई मासूम लोग भी बन रहे हैं। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है, अभी कांटेक्ट। आइए, आज बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, बहुजन वंचित बहुजन अघाड़ी के सरबराह जनाब मोहतरम प्रकाश अम्बेडकर ने एक बड़ा बयान दिया है कि लगता है कि भारत भी इसराइल और हमास की जंग में उलझ जाएगा। इसराइल और हमास की जंग ने पूरी दुनिया में खतरे की घंटी बजा दी है। इसी पसे मंजर में प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि इसराइल और हमास जंग पर बड़ा बयान देते हुए कि भारत भी इसराइल और हमास की जंग में उलझ जाएगा। प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि यह नहीं मालूम कि इसराइल और हमास की जंग दुनिया को तीसरी आलमी जंग की तरफ ले जाएगी या नहीं, लेकिन हिंदुस्तान भी लगता है इसमें मुलविस होगा। इस वक्त अंबेडकर ने यह मुतालबा भी किया कि हिंदुस्तान इस जंग में इंसानियत और मानवता के नुक्ते नजर से फलस्तीन की फौरी मदद करे।
प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि इजराइल हमास जंग एक बहुत अहम मसला है, अगर इस जंग का दायरा बढ़ता है तो यह मालूम नहीं कि यह तीसरी आलमी जंग का बाइस बनेगी या नहीं, लेकिन भारत भी इसमें मुलविस होगा। दुनिया में खाम तेल सिर्फ इसी इलाके से पहुंचता है, हम पहले ही महंगाई का शिकार है, ऐसे में अगर खाम तेल की कीमत बढ़ती है तो हमारी मईशत के भी तबाह होने का खदशा है। इसलिए मरकजी हुकूमत को, केंद्र सरकार को बहुत ही सोच समझ कर संजीदगी से इस मामले पर गौर करना चाहिए, और अगर हुकूमत हिंद ने मुनासिब कदम नहीं उठाया तो फिर भारत बैनुल अक्वामी सियासत में उलझ जाएगा। और उन्होंने खुलकर यह कहा कि भारत को इस मौके पर इंसानियत और मानवता को सामने रखते हुए फलस्तीन की मदद फौरी करना चाहिए। आइरादिन बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के अयोध्या से। जी हां, खबरें आ रही है कि 9 नवंबर यानी आज ही 2019 को राम मंदिर की हिमायत में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। अब खबरें हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट की मीटिंग में जुमेरात को यानी आज कई मानों में दिलचस्प होगी, क्योंकि दरअसल अयोध्या में 9 नवंबर 1989 को पहली बार राम मंदिर का संग बुनियाद रखा गया था, फिर 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर की हिमायत में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। अब एक बार फिर 9 नवंबर की तारीख अयोध्या के लिए खास होने वाली है, क्योंकि 9 नवंबर को योगी काबिना की मीटिंग दोपहर यानी आज 12 बजे अयोध्या में होगी। अयोध्या में राम मंदिर की तामीर का काम जारी है। यूपी हुकूमत अयोध्या में काबिनी मीटिंग करके राम राज का पैगाम देना चाहती है, यानी राम मंदिर के नाम पर, बाबरी मस्जिद के नाम पर 30 साल से तो खूब रोटियां खाई, अब 2024 का इलेक्शन राम मंदिर का ओपनिंग करके भगवा टोले को खुश करके जीतना चाहती है बीजेपी। इसलिए 9 नवंबर को आज ही बाकायदा अयोध्या में योगी कैबिनेट की मीटिंग होने जा रही है। आइए नजर आखिरी बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि इलेक्शन का दौर है, मध्य प्रदेश में इलेक्शन का सिलसिला जारी है, तो हमारे प्यारे प्यारे लाडले वजीर आजम जो मणिपुर आज तक नहीं पहुंचे वो मध्य प्रदेश प्रचार के लिए पहुंच गए हैं, और जाहिर बात है कि वो जहां जा रहे हैं तो विकास की कोई बात नहीं, महंगाई पर कोई बात नहीं, जितने झूठे वादे 15 लाख से लेकर 2 करोड़ नौकरियों तक किए थे उस पर कोई बात नहीं, सिर्फ ऐसी बातें हो रही है जिससे सिर्फ और सिर्फ नफरतें फैले, जो वजीर आजम की कुर्सी पर बैठने वाले को अच्छी भी नहीं लगती, शोभा भी नहीं देती और उसकी गरिमा के खिलाफ है। खैर, नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता कल मध्य प्रदेश में भी बहुत सारी बातें कही, उसमें एक उन्होंने ये कहा कांग्रेस पर वार करते हुए, और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर वार करते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष यानी मल्लिकार्जुन खड़गे रिमोट से चलते हैं। जी हां, और रिमोट चलने पर सनातन को गाली देते हैं, और जैसे ही बैटरी खत्म हो जाती है तो फिर सनातन को याद करने लगते हैं, यानी वो रिमोट पर चलते हैं। तो लोग अब पलट कर ये कह रहे हैं कि मोदी जी आप भी तो रिमोट पर चलते हैं, जितना आरएसएस और मोहन भागवत चाबी भरते हैं, जितनी चाबी भरी है राम ने उतना चले खिलौना, तो आप भी उतना ही तो चलते हैं।